बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। जी आप सब लोगों को इसी तरह हंसता बसता खुश और आबाद रखे जी, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं ना आज सुबह से काम पे थी लगी हुई, घर के काम ख़त्म किए, उसके बाद एक शादी अटेंड करनी थी मोहल्ले में, उधर गए हैं, शादी अटेंड की है, तो अभी थोड़ी देरी हुई है मुझे वापस आया, तो शाम के लिए खाना बनाने के लिए ना वो तैयारी कर रहे हैं। जो चूल्हे पर दाल मैंने चढ़ा दी है, धुआं निकलता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा मेरा बैक साइड से, क्योंकि कमरे के अंदर जो है ना बनाते हैं, बाहर किचन नहीं है और ना ही जगह है कि किचन बनाई जा सके, क्योंकि जगह बहुत छोटी है यहाँ पे। कोई नहीं, अल्लाह ताला कभी ना कभी तो देंगे बड़ी जगह पर, वहाँ पे फिर किचन भी बनाएंगे अपना, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर भी अपना तो है, बेशक किचन नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। तो मैं क्या आप लोगों से, अभी अज़ान हो रही है तो अज़ान के लिए मैं थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ, अज़ान के बाद जो है ना वो फिर आप लोगों से आगे कंटिन्यू करती हूँ, तो तब तक के लिए आप थोड़ा सा ब्रेक लें और जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा यहाँ से वीडियो को। अज़ान के लिए ब्रेक लगाई थी लेकिन अज़ान नहीं हो रही है, तो इसलिए मैं क्या आप लोगों के साथ कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बच्चा रुक गया शायद अज़ान देते हुए, तो जैसे फिर अज़ान देंगे तो फिर हम रोक लेंगे। तब तक अपनी वीडियो तो आप लोगों के साथ करते हैं ना शेयर, वक्त शाम का हो गया क्योंकि लेट आए वापस, अभी वो एक छोटा बच्चा देख रहे हैं आप दरवाज़े में, वो बर्फ़ लेने के लिए आया है तो मैं उसको दे लूँ बर्फ़। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी ये दाल मिक्स, मसर की और मूंग की, देख सकते हैं आप, उबलने के लिए रख दी है, जैसे ही उबलेगी उसके बाद इसके मैंने मसाला वगैरह बना के डाल के अलहदा से भून के उसमें डालेंगे दाल और बनाएंगे जी दाल, और साथ में अहमद के लिए थोड़े से बॉयल करूँगी चावल, क्योंकि उसे पसंद है दाल के साथ चावल। तो आग जो है ना वो हमारी थोड़ी सी तंग कर रही है सही जलने की बजाय, तो दुआ करें जी हमारी आग सेट हो जाए, तो फिर हम आप लोगों के साथ जो है ना सारी अपनी रेसिपी शेयर करें। अभी तो उबलने के लिए रखी है, जैसे ही उबल जाएगी फिर मसाला बनाएंगे, या फिर इसके साथ ही मेरा बेस्ट तरीका ये है क्योंकि टाइम ऊपर से थोड़ा रह रहा है, तो साथ ही मसाला भूनते हैं, वो सारा कुछ अंदर ही डाल देते हैं इसके और बाद में तड़का लगा लेंगे, फिर भी बहुत मज़े की बन जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी ब्रेक, तो ब्रेक मतलब क्या है, दाल गलने का इंतज़ार करेंगे, जैसे ही गल जाएगी तो फिर आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। बच्चा जो है वो बर्फ़ लेके जा चुका है, दरवाज़ा खुला छोड़ गया, तो मैंने कहा दरवाज़ा करती हूँ बंद जी। अजान जो है ना दूसरी मस्जिद की ख़त्म हो गई, अपनी वाली मस्जिद की तो अभी फिर भी नहीं हुई, तो मैं क्या फिर भी आप लोगों के साथ करूँ शेयर कि दरवाज़ा बंद करने गई थी जब बच्चा बर्फ़ लेके गया, तो आगे से अहमद के बाबा नज़र आए हैं, वो कहते हैं कि अंदर से मेरा कुछ सामान है वो दो, मैंने किसी को देना है वो देने चली गई थी, इसलिए जो है ना वो ब्रेक लगाई थी मैंने वहाँ पे वीडियो में रुक गई। अभी जो है ना मैं फिर से मोबाइल 2 मिनट रखने लगी क्योंकि मैंने पानी भरना है हैंडपम्प पर, इसमें दोनों हाथ यूज़ करने आते हैं यहाँ पर, एक के साथ काम नहीं चलता। तो अभी पानी जो है ना हैंडपम्प है उसे दोनों यूज़ करते हैं, पानी मैंने अभी भर लिया, देखे कटोरे में कटोरा रखने लगी फ्रिज में ताकि मज़ीद बर्फ़ बन जाए, किसी और को ज़रूरत होगी तो वो भी ले जाएगा। वो मैंने रखी है जी बर्फ़, अभी हम चलते हैं बस, क्योंकि थोड़ा सा पी लेते हैं पानी क्योंकि प्यास लगी हुई थी। अभी इस वक्त ज़रा टाइम से अहमद को भूख लग गई तो वो खा रहा है खाना, ये देखिए दही के साथ खाना खाने हो रहा है, रोटी सूखी और दही, और साथ में मोबाइल यूज़ हो रहा है, गेम खेली जा रही है, और मोबाइल के बगैर जो ना हमारा खाना भी हज़म नहीं होता हमसे, देखें। अभी मैं आ रही हूँ, कौन जी? वो बच्ची एक आई है जी हमारे घर से, नियाज़ ले जाएँ वापस आके मैं आपको दिखाती हूँ कि नियाज क्या है। अभी मैं जा रही हूँ उनके घर लेने, मैं अंधेरे वाले रूम में भी आ गई हूँ, तो मैंने आप लोगों को नज़र आ रही है मैंने ले लिया जी कटोरा, क्योंकि नियाज ऐसी है जी पानी या शीरा से बना हुआ, और पीछे आपको मैं खिला के दिखाऊँगी, सस्पेंस है, ये सस्पेंस है कि वो क्या है। तो अभी मैं जा रही लेने के लिए, फिर आपके आपको ना आके दिखाती हूँ। अहमद, वो मेरी दोस्त आ गई थी जी बाहर, तो
इसलिए जो है ना बीच में थोड़ी सी वीडियो जो है ना स्किप करनी पड़ी है, दरमियान में से रोकनी पड़ी है। तो अभी अंधेरा भी ज़्यादा हो गया और वो चली गई, अभी गई है, पिछली हमारी गली में रहती है तो अक्सर आ जाती है। जब उसने दिल वगैरह बहलाना हो, कोई बातचीत करनी हो तो वो आ जाती है अपना दिल हल्का करने के लिए। तो अभी वो गई है तो मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपनी सारी बातें, और बताइएगा कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। और मैं आपको जो मैंने मेहंदी अटेंड की है वो वाली भी मैं आपको वीडियो जो है ना साथ में अटैच करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा। जहाँ हम गए थे आज बारात थी, आज जो है ना गर्मी की वजह से रश बहुत था और लाइट भी गई हुई थी, इस वजह से ना पसीने से हालत और गर्मी से हालत ख़राब थी, इसलिए आज तो वीडियो नहीं बना सके। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी वाली वीडियो, तो देख के बताइएगा कैसी है। अटेंड तो दो की हैं लेकिन एक मेहंदी की जो है ना वो मैं आपको वीडियो साथ में अटैच करके दिखाऊंगी, देखिएगा और बताइएगा।